आप सबको स्वागत है। आज हम 10 अप्रैल के ईश्वरी वरदान में पहुंचे हैं और मर्यादाएं तो ऐसी चीजें हैं जो कि आपके आर्म फोर्सेस में भी होती हैं, आपके गवर्नमेंट हाउसेस में भी होती हैं, एंड आप अगर किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहां पर भी बहुत सारी मर्यादाएं होती हैं, डिसिप्लिन होते हैं, कंडीशंस होती हैं। अगर आप उनको फॉलो करें तो वो ऑर्गेनाइजेशन, चाहे आपका घर हो, चाहे आपकी कंपनी हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे एक गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो, वो हर चीज स्मूथली चलती है। लेकिन उसमें से कोई एक जना भी अगर कुछ गड़बड़ करे, उल्टे तरीके से चले, तो ऑटोमेटिकली उसका असर सबके ऊपर पड़ता है। तो आज परमात्मा हमें मर्यादाओं के बारे में बताते हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन सदा उड़ती कला में उड़ने वाले नंबर 1 विजयी भव। मर्यादा क्या होती है? कहा जाता है कि लक्ष्मण रेखा को जो मर्यादा थी, जो रामचंद्र जी ने सीता जी को बोला था कि आप ये लक्ष्मण रेखा को क्रॉस नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी आ जाए, लेकिन उन्होंने जब वो क्रॉस किया तो रावण ने उनको पकड़ लिया। तो हमारे जीवन भी मर्यादा है। अगर हमें परमात्मा ने कहा है, हमें मुरलियों में जो आज हम पढ़ते हैं, कि तुम्हें कोई अश्लील चीज नहीं देखनी है, तुम्हें कुछ गलत खान पान नहीं करना है, तुम्हें समय समय पर सोना है, तुम्हें रात को वायलेंस या लड़ झगड़ करके सोना नहीं है, तुम्हें सुबह जल्दी उठना है, तुम्हें खान पान शुद्ध रखना है और हर दिन उठ करके आध्यात्मिक ज्ञान लेना है, अगर उसके हम सब कुछ विपरीत करें इन चीजों के, ये जो गाइडेंस दी हुई है, तो आप सोचिए आपका दिन कैसा जाएगा, सब कुछ उल्टा होना शुरू हो जाएगा। तो कुछ मर्यादा है, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि नंबर 1 की निशानी है हर बात में विन करने वाले। कोई भी बात आ जाए, उनके जीवन में इतना डिसिप्लिन होगा, वो अपने आप से इतने खुश होंगे, अपने आप से संतुष्ट होंगे, क्योंकि वो इतने डिसिप्लिन में चल रहे हैं, खान पान से लेकर के उठने बैठने से लेकर के सोने से लेकर के हर चीज में उनका डिसिप्लिन है। तो वो ऑटोमेटिकली अपने साथ संतुष्ट इतने होंगे कि कोई सिचुएशन आएगी तो उनको वो पहाड़ नहीं दिखेगी। आप सोचो, अगर आप उठने वाले हो 9 बजे 8 बजे सुबह और आपके सामने कोई सिचुएशन अचानक से आ जाए, तो आपका मूड कैसा होगा, एज कम्पेयर टू अगर आप 4 बजे उठते हो या 5 बजे उठते हो, हर काम आप कर लेते हो अपना घर का, उसके बाद में कोई सिचुएशन आए, कितना हल्कापन होगा। यही चीजें हमें मर्यादा में सिखाई जाती हैं। परमात्मा कहते हैं, यदि चलते चलते कभी हार होती है, कभी क्रोध हो गया, कभी अहंकार हो गया, कभी हमने कोई गलत डिसीजन ले लिया, कोई गलत निर्णय ले लिया जिस कारण से नुकसान हो गया, अगर हार होती है तो उसका कारण है मर्यादाओं में नीचे ऊपर होना। जो इंसान डिसिप्लिन में चलता है, जो इंसान समय के अनुसार अपने आप को सही तरीके से चलाता है, उसको कभी कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन ये संगम युग है मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का युग। ये युग ही कैसे है? मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का युग। परमात्मा स्वयं आकर के हमें इस दुनिया में चलना कैसे है, कब उठना, कब बैठना, कब खाना, क्या खाना, क्या नहीं खाना, क्या करना, कैसे बात करना, कैसे निर्णय लेना, कैसे अपने आप को बचाना, हर चीज के बारे में ब्रह्म कुमारी इसमें सिखाते हैं। और यही वो युग है जिसमें कि हम ये सारी चीजें सीख सकते हैं। कलयुग नहीं, संगम युग, जिसमें हमारा आत्मा का, हम आत्मा का परमात्मा के साथ में संगम होता है कि सत्य क्या है, रहने का तरीका क्या है, कलयुग को सत्ययुग में परिवर्तन करने की रीति क्या है, जो कि परमात्मा सिखाते हैं। फिर परमात्मा कहते हैं, पुरुष नहीं, नारी नहीं, लेकिन पुरुषोत्तम है, इसी स्मृति में सदा रहो तो उड़ती कला में जाते रहेंगे, नीचे नहीं रुकेंगे। उड़ती कला का अर्थ क्या हुआ? कि आप कोई भी जो मर्यादाओं को फॉलो करके आगे बढ़ रहे हो, तो कोई सिचुएशन आएगी तो आप उसको हल्के होकर के उड़ना, मतलब हल्के होकर के आप उसको पार करेंगे, एज कम्पेयर टू क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ। अगर आपने संडे की मुरली सुनी है कल की, तो आपको पता होगा, है ना, तो वाई वॉट, ये सारी चीजों कैसे खत्म कैसे करना है, फ्लाई करना है ना, बाय बाय करना है, तो ये सारी चीजें आपने सीखी है ऑटोमेटिकली। तो परमात्मा भी इन्हीं चीजों के बारे में बताते हैं हमें, और वो कहते हैं, उड़ती कला वाला सेकंड में सर्व समस्याएं पार कर लेगा, जिसकी हल्की अवस्था रहेगी मनोस्थिति, जो सारी मर्यादा और डिसिप्लिन को फॉलो कर रहा होगा, उसका मन हल्का रहेगा, अंदर से खुश रहेगा, अपने आप से संतुष्ट रहेगा कि हाँ, मेरा दिन अच्छा जा रहा है, क्योंकि मैंने ये सब कुछ किया है जो मुझे परमात्मा ने कहा है, उसकी हालत मनोस्थिति हल्की रहेगी और उस समस्या को बहुत ही आसानी से पार कर लेगा। कि आप भी ऐसा करना चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं कि आपकी समस्याएं फटाफट हल्की होकर दूर हो जाए, उड़ जाए, खत्म हो जाए, आपके सामने ही आए ही ना, तो आप भी
परमात्मा से मिलन मिलाएं, ब्रह्म कुमारी में आकर के उस विधि को सीखें, ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान दिया जा रहा है, नया ज्ञान जो कि कई शास्त्रों में बहुत ही कम मिलेगा आपको, ये ब्रह्म कुमारी कहती है कि जो ज्ञान शास्त्रों में नहीं है वो यहां है, क्योंकि ये सारा ज्ञान परमात्मा के द्वारा है। अभी आके सुनिए इस चीज को, ओम शांति इसके साथ।